नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे कि शुक्राणु जीरो या शुक्राणु कम होने का नंबर वन कारण वेरिकोसील के बारे में। मैंने पहले भी वेरिकोसील के बारे में बहुत सारे डिफरेंट वीडियोज़ बनाए हैं। वेरिकोसील क्या होता है, नसों में सूजन कब आती है, वेरिकोसील क्यों होता है, ग्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिकोसील के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके बारे में आप दी गई प्लेलिस्ट या लिंक्स पे देख सकते हैं। मेरे पास नील शुक्राणु या शुक्राणु कम होने के कारण पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके बारे में भी मेरा आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पर जो आज का टॉपिक है वो इनका फ्यूजन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके शुक्राणु कम है या शुक्राणु ज़ीरो है या टेस्टिस में स्पर्म गायब हो गए हैं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट कारण हैं, पर उसमें एक कारण जो ट्रीटेबल है, जो कम्प्लीटली सॉल्वेबल है, जिसकी ट्रीटमेंट करने से आपको इमीडिएटली स्पर्म काउंट में रिलीफ मिलेगा या स्पर्म गायब है तो स्पर्म फिर से बन जाएंगे, तो वो है वेरिकोसील। तो वेरिकोसील से स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म की मोटिलिटी भी ख़राब होती है। तो हर मतलब वेरिकोसील जो है वो टेस्टिस के हर स्पेक्ट्रम में खराबी करता है। तो वेरिकोसील के मरीजों में हो सकता है स्पर्म काउंट कम हो सकता है स्पर्म काउंट ज़ीरो हो जाए, हो सकता है कि स्पर्म काउंट तो ठीक हो, मोटिलिटी ख़राब हो सकता है कि जो स्पर्म है भी तो भी आपकी प्रेगनेंसी ना हो रही हो। कई पेशेंट आते हैं, स्पर्म काउंट अच्छा होता है, मोटिलिटी अच्छी होती है, वाइफ के टेस्ट ठीक है, पर बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बार बार IVF फेल हो रहा है, बार बार IUI फेल हो रहा है, या आपके टेस्टिस की जाँच हुई है, टेस्टिस की बायोप्सी हुई है, उसके अंदर स्पर्म नहीं मिल रहे या मैचुरेशन अरेस्ट है, या फिर आपके हार्मोन ख़राब है या टेस्टिस छोटे हो गए हो, तो वेरिकोसील इन सब स्पेक्ट्रम के अंदर मिल जाता है। और वेरिकोसील ये सारी दिक्कतें मरीजों में कॉज कर सकता है। पर मुश्किल बात यह है कि इन चीज़ों को ठीक करने से या वेरिकोसील को ठीक करने से क्या हर मरीज में स्पर्म में इम्प्रूवमेंट होता है। ये तो फॉर श्योर है कि अगर वेरिकोसील के कारण गोलियाँ छोटी हुई है, वेरिकोसील के कारण हार्मोन ख़राब हुए हैं, वेरिकोसील के कारण स्पर्म काउंट में डेफिशिएंसी आई है, वेरिकोसील के कारण स्पर्म काउंट ख़त्म हुए हैं, तो डेफिनेटली वेरिकोसील के रिपेयर करने से, वेरिकोसील की माइक्रोसर्जरी करने से या वेरिकोसील को मैनेज करने से स्पर्म काउंट में, हार्मोन लेवल्स में, टेस्टिस के साइज में बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है। वेरिकोसील क्या होता है? वेरिकोसील बेसिकली जो टेस्टिस है या गोलियाँ है, गोलियों की जो ब्लड सप्लाई है, उस ब्लड सप्लाई में वेन्स होती है जो ब्लड को लेके जाती है। अगर इन वेन्स के वॉल्व ख़राब हो जाए तो ये वेन्स सूज जाती है, इस कारण से जो टेस्टिस के अंदर ख़राब ब्लड है वो निकल नहीं पाता, टेस्टिस में डैमेज चालू रहता है। और नॉर्मली अगर किसी मरीज़ को वेरिकोसील 20 साल की उम्र में हुआ है तो गोलियां डैमेज होने में, स्पर्म काउंट ख़राब होने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। और नॉर्मली ये मरीज़ फिर 27-28 या 30-32 साल की उम्र में ज़ीरो स्पर्म काउंट या कम स्पर्म काउंट के साथ आते हैं। अगर आपकी टेस्टिस में वेरिकोसील है और आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो वेरिकोसील की प्रॉपर जांच और वेरिकोसील का प्रॉपर इलाज कराना ज़रूरी है। वेरिकोसील की जांच कैसे होती है, वेरिकोसील का इलाज कैसे होता है, उसके बारे में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, उसमें मेरी वीडियोज़ है। पर मोटे मोटे तौर पर वेरिकोसील का नेचुरल ट्रीटमेंट भी होता है, वेरिकोसील का दवाई से ट्रीटमेंट भी होता है, और अगर कुछ नहीं काम करता तो वेरिकोसील की माइक्रो सर्जरी होती है जो कि वेरिकोसील को ठीक करने में और टेस्टिस को इम्प्रूव करने में बहुत कारगर है। पर क्या वेरिकोसील रिपेयर करने से हर मरीज़ को फ़ायदा मिलता है? ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है 5 फैक्टर्स पे। पहला कि वेरिकोसील का ग्रेड क्या है। अगर वेरिकोसील का ग्रेड ज़्यादा है, 3, 4, 5 है, तो उसमें रिकवरी भी स्लो होगी। अगर वेरिकोसील का ग्रेड कम है तो उसमें रिकवरी फास्ट होगी। दूसरा कि टेस्टिस का साइज़ क्या है। अगर वेरिकोसील से टेस्टिस का साइज़ 20-25% कम हो गया है तो उसमें रिकवरी स्लो होती है, पर वेरिकोसील के साथ में अगर टेस्टिस का साइज़ बढ़िया है तो उसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तीसरा फैक्टर है कि कितने साल से वेरिकोसील है। अगर आपकी मरीज़ की या आपकी एज हो गई है 35 से ऊपर, आपको 7-8-10 साल से वेरिकोसील है, तो ऑब्वियसली आपकी रिकवरी स्लो होगी। अत्यंत एक बच्चा जिसकी उम्र 22-23 साल है और वेरिकोसील अभी डिटेक्ट हुआ, उसमें रिकवरी बहुत फास्ट और बहुत जल्दी होती है। चौथा होता है कि जो वेरिकोसील से स्पर्म काउंट है वो कितना अफेक्टेड है। अगर बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, टेस्टिस के अंदर भी ज़ीरो हो गया है, तो रिकवरी बहुत स्लो होती है। अगर टेस्टिस में ज़ीरो नहीं है, स्पर्म काउंट आपका कम है, पर अभी भी मोटिलिटी ख़राब हुई है या स्पर्म काउंट थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो उस केस में वेरिकोसील सर्जरी से बहुत ज़्यादा
फ़ायदा मिलेगा। और पांचवा होता है कि वेरिकोसील की टेक्निक। अगर कोई सर्जन है जिसने वेरिकोसील को बहुत अच्छे से माइक्रोसर्जरी करके ठीक किया है वर्सेस एक सर्जन है जिसने वेरिकोसील को ठीक से बांधा नहीं या प्रॉपरली सर्जरी नहीं करी, तो सर्जिकल स्किल या जो आप सर्जरी करा रहे हो उसके ऊपर भी ये रिकवरी डिपेंड करती है। तो अगर आपको नील शुक्राणु है या आपको शुक्राणु की कमी है या आपको काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वेरिकोसील की जांच ज़रूर कराएं। अगर वेरिकोसील है तो उसका प्रॉपर इलाज ज़रूर कराएं। ज़रूरी नहीं कि वेरिकोसील के कारण ही आप में दिक्कत हो। नॉर्मली जो अच्छा एंड्रोलॉजिस्ट है वो आपके हार्मोन भी टेस्ट करेगा, आपके जीन्स भी टेस्ट करेगा, ये भी चेक करेगा कि आपका कैरोटाइप कैसा है, आपको FSH तो ख़राब नहीं है, आपके हार्मोन तो ख़राब नहीं है। पर अगर आपके दिक्कत जो है वो सिर्फ आपकी नसों में है तो उसका रिपेयर बहुत ज़रूरी है। वेरिकोसील रिपेयर के बाद मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका जीरो स्पर्म काउंट से नॉर्मल स्पर्म काउंट भी हुआ है, जिनको प्रेगनेंसीज हुई है और जो मरीज़ ठीक हुए हैं। इन मरीजों के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आगे भी वेरिकोसील की सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगा। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने डाउट्स पूछिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर कर सकते हैं जो स्पर्म की कमी से या बच्चे ना होने से जूझ रहे हैं। अगर आपको वेरिकोसील है और आप इसका प्रॉपर इलाज चाहते हैं तो आप क्लिनिक पे आके दिखा सकते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वेरिकोसील, मेल इनफर्टिलिटी और पुरुष रोगों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।